प्रिंस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर एंड इंडेक्स, घात एवं घातांक, यानी पार्ट वन के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा गया है सबसे पहले पहला नंबर वन पे देखते हैं, ए प पावर एम है इनटू ए प पावर एन है, यानी इसमें देखा जा रहा कि जो बेस है दोनों सेम है और पावर क्या है भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ए पर पावर एम प्लस एन, ठीक है, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन हो, यानी बेस दोनों में समान हो, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग अगर मान लीजिए ऐसा दिया होता तो हम लोग उस कंडीशन में ला सकते हैं। हम लोग इसको अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो इस पर हम लोग फिर अलग से भी कर सकते हैं, ए प पावर एम इंटू ए प पावर एन, यानी दोनों फॉर्मेट बदल सकते हैं। अगर इस प्रकार से दिया है तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, अगर इस प्रकार से दिया है तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे। ये सिर्फ कन्वर्ट करना सीखना है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए रहेगा ए प पावर सेवन, ठीक है, इंटू ए पे पावर एट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक लिखेंगे और सेवन प्लस एट यानी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए पर पावर फिफ्टीन। इस प्रकार से जो भी रहेगा हम लोग इजी तरीक़ा से इसको निकाल सकते हैं, इसको कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर रहेगा थ्री पर पावर नाइन इंटू थ्री पर पावर टू, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इसको थ्री पर पावर कितना होगा तो नाइन प्लस टू, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, तो थ्री पर पावर इलेवन डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट में खाली सीख रहे हैं, हम लोग पावर इंडेक्स में देख रहे हैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को, कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम लोग आगे जब बनाएंगे इसमें कुछ क्वेश्चन तो प्रॉब्लम ना हो। तो ये पहला था। दूसरा नंबर पर देखते हैं ए प पावर एम, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में है ए प पावर एन, अगर दोनों इस कंडीशन में है तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए प पावर एम और यहाँ पर माइनस लग जाएगा ए प पावर एन, यानी ये जो ए प पावर एन ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसको इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे टू पर पावर सेवन हो और अपॉन में दिया गया है टू पर पावर फाइव, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टू पर पावर सेवन लिखेंगे और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फाइव बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू पर पावर टू भी लिख सकते हैं डायरेक्ट घटा के, इसको डायरेक्ट आंसर इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ अभी इसको क्रिएट करने के लिए सीख रहे हैं, मतलब उसके बाद फिर देखते हैं इसको क्या किया जाए। ए पर पावर एम है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है ऊपर यानी पावर में एन दिया गया है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट हटा के हम लोग कर सकते हैं एम इंटू एन, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेगा, टू रहेगा यहाँ पर थ्री रहेगा और यहाँ पर पावर में फोर रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं टू थ्री इंटू फोर, यानी डायरेक्ट टू पर पावर ट्वेल्व, हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, बहुत आसान है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है ए पावर माइनस वन, तो इसको ए पावर माइनस वन है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में डायरेक्ट कर देंगे, वन अपॉन ए पावर एन, यानी डायरेक्ट प्लस में चेंज हो जाएगा, इसको हम कुछ करना नहीं, डायरेक्ट प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस है खाली अपॉन लगा दिए तो ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा कुछ, देखते हैं, जैसे चार है, चार पावर माइनस थ्री दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, चार पावर थ्री कर देंगे और ऊपर में डायरेक्ट वन लगा देंगे इस प्रकार से, यानी समझ में आ जाएगा इसको कन्वर्ट करना है, तो चार चौके सोलह और सोलह चौके चौंसठ, यानी इसको डायरेक्ट वन अपॉन हम लोग चौंसठ भी कर सकते हैं।
डायरेक्ट 64 होगा, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से इसको निकाल सकते, इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको किस प्रकार से करना है। मान लीजिए ए आपका दिया गया है, ठीक है, ए है और ए पर है -1 अपॉन एन है, तो इसको हम लोग फिर सेम इसी प्रकार से इसको भी करना, सिर्फ ऊपर क्या करना है 1 लगाना है और नीचे क्या करेंगे सारा का सारा उतार देना है, ए पावर 1 अपॉन एन लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सारा का सारा कन्वर्ट करना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट करना है कोई संख्या दिया हो तो, न तो इसे इसमें कुछ है ना, जैसे ए है 2 और यहाँ -3 है, अपॉन में मान लीजिए 4 है, तो इसको क्या हम लोग करेंगे डायरेक्ट इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर 1 लगाने के ऊपर जैसे 1 लगेगा तो समझिए कि ये सारा के सारा प्रक्रिया आपका ख़त्म हो गया। बस इस प्रकार से कर दिए आप, इसको कन्वर्ट कर दिए इस प्रकार का। और ये मेरा पार्ट नंबर 1 था, ये वीडियो मेरा पार्ट नंबर 1 है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।